यूपीएससी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशंस वीडियो में हम कोई भी अपडेट जाने सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि आप लोगों के लिए सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे कोविड 19 का सर्कुलर जारी किया गया है और उसमें फाइनली जो हम लोगों ने वॉयस आप लोगों के लिए रेस किया था सबसे पहले हम लोगों का जो ईमेल गया था सीबीएसई के ऑफिस तक, सबसे पहला रिक्वेस्ट गया था जो कि सारे यूट्यूब कम्युनिटी के लोगों ने सेंड किया, पेरेंट्स ने सेंड किया सीबीएसई को, और हाँ सीबीएसई एटलीस्ट कुछ तो रिस्पॉन्स दिया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो स्टूडेंट अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, बिफोर एग्जाम और कभी भी, मतलब एग्जाम के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो आप लोगों का एग्जाम क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आप ऑनलाइन मोड में देंगे या किस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा। पर उन सबसे ज्यादा जरूरी ये है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब दोनों बोर्ड्स को पता है कि आप इफेक्टेड हो सकते हैं तभी वो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कहीं भी सर्कुलर में ये नहीं लिखा गया है कि वो लोग आपके लिए फाइनेंशियल कॉस्ट पे करेंगे या अगर आपको कुछ होगा तो वो खुद की रिस्क लेंगे। वहां पर सिंपल सा बात है कि ये जो कंप्लीट जो भी चीजें हैं, और अगर आपको कुछ भी होगा इन्फेक्टेड हो गए तो आपके पेरेंट्स उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके पेरेंट्स समझेंगे, और बस सीबीएसई ने आपका जो उन लोगों का जिम्मेदारी है कि एग्जाम का क्या होगा तो एग्जाम का वो लोग टर्म टू में आप लोगों का टर्म टू का रिजल्ट लिया जाएगा। और इस बीच अगर आपको कुछ हो गया, आई मीन टू से आप लोग समझ रहे हैं कि अगर लाइफ लॉस हो गया या बच्चे नहीं इन्फेक्टेड होने के बाद तो वो रिजल्ट का क्या फायदा होगा, ये मेरा कहना नहीं है, पेरेंट्स का कहना है। खैर आप लोग तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा सीबीएसई भी प्रेशराइज है। और एक चीज जो आप सब लोग बिल्कुल सही है जो कह रहे हैं, सर भैया गौरव सर, सुतपाल सर, कब से सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आ रहा है पर हमारे लिए तो कुछ हो नहीं पा रहा है, पर और कुछ ही दिन बचे हैं आपके, शायद टर्म प्री बोर्ड्स भी होंगे, पर शायद आप लोगों को पता नहीं कि कुछ नहीं बहुत ही कुछ निकल कर आया है और बहुत कुछ हुआ भी है ये सारी चीज़ें करने की वजह से, बस आप लोग इन्फॉर्म्ड नहीं हो, जानते नहीं हो, और वो मैं सारे डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो उन सब चीज़ों से पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक और चीज़, पढ़ाई तो हमारे लिए जरूरी है, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं क्योंकि बिना पढ़ाई के अगर आप इंतजार में बैठे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन मिलेगा, या अगर आप ऐसा सोचते हैं कि टर्म वन एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फेल भी हो गए तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो लॉस आपका है, सबसे बड़ा लॉस होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज बताना चाहूंगा अन अकेडमी की तरफ से, जो कि मैं आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है आप लोगों को पता है एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे चेंजेस आए हैं, हमारे बोर्ड्स भी टर्म वन टर्म टू में हो रहे हैं, डेट शीट आ चुके हैं, रोल नंबर आ चुके हैं, एडमिट कार्ड नहीं रोल नंबर आ चुके हैं, सब कुछ प्रिपेयर्ड है और हम लोगों को पता है हमारा एग्जाम्स बहुत ही करीब है। तो ऐसे में आपको पता है अन अकेडमी पे इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से कनेक्टेड हैं एंड सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जो कि आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको बस लिंक डाउनलोड करना है ऐप का, मेरा कोड हाईलाइट हो रहा होगा सबसे सिंपल, आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के मेरा कोड डाल देना है और वो टेस्ट देना है, कोई भी वीडियो कॉल टेस्ट नहीं है, आपको पूरा साइंस हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, कोई भी, चाहे आप 12 में है 10 में है, कोई भी पेपर के प्रिपरेशन अगर आपका हो गया और आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री में एक बार देखकर देखें कि आपको कितना स्कोर आ रहा है 100 में 40 में से, तभी तो आपका जो स्टडीज है और ज्यादा बूस्ट होगा, और ये एमसीक्यू बेस्ड है। तो ये 11 सितंबर ऑनवर्ड से स्टार्ट है। और सबसे बड़ा चीज आपको पता है अन अकेडमी का एक सबसे बेस्ट चीज होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो सरप्राइजेस होते हैं और गिफ्ट्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स को, यहाँ पे अन अकेडमी की तरफ से फ्री पढ़ाया जाएगा दिसंबर तक अगर आपके स्कोर अच्छा किया तो कितना अच्छा मौका है, और साथ साथ बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। तो ये चालू हो चुका है और मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा चीज अन अकेडमी ने लॉन्च किया, जो कि आपके लिए फ्री, आपके एग्जाम से पहले बस 5 मिनट का खेल है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आपको एमसीक्यूज पे टिक करना है, आपका प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगा। तो जल्दी एनरोल करें क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत ही अच्छे से फायदा उठाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन के आइडिया जो दिया था सुतपाल सर ने आसाम में, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके एग्जाम्स भी शुरू नहीं हुए और वहां पे स्कूल्स जो है कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, मतलब वहां पे आस पड़ोस में कई सारे कोविड पॉजिटिव आए स्टूडेंट्स। तो यहां पे पेरेंट्स ने क्या किया, सीधा वो चले गए सीबीएसई रीजनल ऑफिस, आप देख सकते हैं आसाम में गुवाहाटी में, और जाकर वहां पे रिप्रेजेंटेशन डाल दिया गया, मतलब वहां पे कहा गया सारी बातें, ये आप गवर्नमेंट ऑफ आसाम आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर रखा है, जाकर वहां पे पढ़ना। और जो पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए गए हैं दोनों बोर्ड्स को लेकर, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोथ बोर्ड्स, और पूरा कंप्लीट यहां पे डिटेल्स दिया गया है कि दोनों हाइब्रिड मोड में वहां पे एग्जाम्स होने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया गया है, और वहां पे कहीं ना कहीं दोनों बोर्ड्स अग्री किए हैं, हमारे यहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जाम्स देने का वहां पे मैटर उठ गया है और बात हो चुका है, जो कि सुतपाल सर द्वारा ही आसाम में, दिल्ली में और पंजाब हरियाणा, ये कई जगहों पर ये सारी चीजें कर दी गई हैं। और आपको पता है ये प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और जैसा कि आसाम में सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है, आई होप ये हर जगह हो जाए क्योंकि और टाइम आपके पास है नहीं, पर आसाम में तो एटलीस्ट ये सक्सेस हुआ, आप देख सकते हैं वहां पे ये सारी चीजें जारी कर दी गई हैं, अब वहां पे वो लोग बच्चों के लिए ये सुविधा है, तो बेसिकली अब हम लोग भी इंतजार में हैं
और यहाँ पे पेरेंट्स का इंतजार किया जा रहा है, कोई पेरेंट्स रिप्रेजेंटेशन डाले, क्योंकि गौरव सर भी नहीं कर सकते और सुतपाल सर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स के बिना अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके सारी डिटेल्स लगेंगे तभी जाके होंगे। तो जो भी है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सक्सेस आ रहा है और इस प्रोटेस्ट का कोई तो फायदा निकलकर जरूर आएगा, एटलीस्ट कोशिश तो किया जा रहा है। कई लोग तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस बता के चले जा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मत करो, ये करो, वो करो। खैर मैं आप सबको सारा अपडेट देता रहूंगा, मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू सो मच।